हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिकल इन्फो में। मैं आप सभी का दोस्त शिवम साइनी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पाजमो पैराक्सीवान प्लस टैबलेट के बारे में। इसका यूज क्या होता है, डोज कितना देना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसका मार्केट में प्राइस कितना है, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो बनी रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल मेडिकल इन्फो पर नए आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल मेडिकल इन्फो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए सर वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपने नॉर्मल दवा खा ली है फिर भी आपका पेट दर्द सही नहीं हो रहा है तो आप स्पाजमो पैराक्सीवान प्लस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, स्पाजमो पैराक्सीवान प्लस कैप्सूल जो है वॉक हार्ट लिमिटेड द्वारा बनाया गया काफी अच्छा प्रोडक्ट है जो कि कई दवाओं का मिश्रण है। इसमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg मिला हुआ होता है और इसमें ट्रामाडॉल हाइड्रोक्लोराइड 50 mg मिला हुआ होता है और इसमें एसिटामिनोफेन 325 mg मिला हुआ होता है। बात करते हैं स्पाजमो पैराक्सीवान कैप्सूल के मार्केट प्राइस के बारे में, ये आपको मार्केट में कितने रुपए का मिल जाता है। इसके मार्केट प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मार्केट में 60 रुपए से 80 रुपए के बीच में इसकी आपको 8 गोलियां मिल जाती हैं। अब बात करते हैं स्पाजमो पैराक्सीवान कैप्सूल काम किस प्रकार करता है। दोस्तों, ये ब्रेन से निकलने वाले दर्द के सिग्नल को रोक देता है जिससे हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती है। अब बात करते हैं स्पाजमो पैराक्सीवान प्लस कैप्सूल के यूज के बारे में, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके यूज की बात की जाए तो इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो पेट में होने वाले तेज दर्द में किया जाता है और इसका उपयोग मांसपेशियों में होने वाले दर्द में, पेट में होने वाली ऐंठन में, पेट में होने वाली मरोड़ में इसका उपयोग किया जाता है, आंतों में होने वाली ऐंठन में, बुखार हो जाने पर, सिर दर्द होने पर, यूट्राइन कोलिकी पेन होने पर या फिर अचानक होने वाले दर्द में, जोड़ों के दर्द में, दांतों के दर्द में आदि कंडीशन में हम स्पाजमो पैराक्सीवान प्लस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पाजमो पैराक्सीवान प्लस कैप्सूल के डोज के बारे में, इसका डोज कितना लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक गोली इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका उपयोग करने से पहले हमें अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, इसका उपयोग हमें छोटे बच्चों में करवाने से पहले भी अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं स्पाजमो पैराक्सीवान प्लस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में, इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि सिर दर्द होना, घबराहट महसूस होना, मुंह सूख जाना, जिम चलाना, उल्टी होना, नींद ना आना आदि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सवालों के बारे में, कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम शराब के साथ कर सकते हैं, तो इसका उपयोग हमें शराब के साथ भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम गर्भवती महिला को करवा सकते हैं, तो इसका उपयोग हमें गर्भवती महिला को भी नहीं करवाना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम स्तनपान कराने वाली महिला को करवा सकते हैं, तो इसका उपयोग हमें स्तनपान कराने वाली महिला को भी नहीं करवाना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या इसका उपयोग हम गाड़ी चलाते समय या अन्य कोई भारी मशीन चलाते समय कर सकते हैं, तो यदि आपको स्पाजमो पैराक्सीवान कैप्सूल लेने के बाद चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है या फिर घबराहट महसूस हो रही है तो ऐसे में हमें ड्राइविंग या कोई मशीन चलाने से बचना चाहिए। और कुछ लोगों का सवाल होता है क्या स्पाजमो पैराक्सीवान कैप्सूल लेने से हमें लत लग सकती है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा स्पाजमो पैराक्सीवान कैप्सूल की लत नहीं लगती है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।